हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिक्स फूड हाउस। आज हम बनाने वाले हैं मटला उंधियू। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए और सब्जी चाहिए, वो मेरे घर में ही अवेलेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ सबसे पहले हमने लिया है थोड़ा सा गुड़ टेस्ट के हिसाब से, और दो नींबू, तिल, मूँगफली, बादिया और तज, वरियाली, सॉल्ट, हींग, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। इसके अलावा हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है इसमें है गार्लिक, ऑनियन और पोटैटोस और बैंगन। इस टाइप के जो बैंगन आते हैं स्पेसिफिक उंधियों के लिए, वही हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ हमने सभी सब्जी को धोकर इस तरह से कट कर दिया है। चवाणू लिया है, इसको हमने मिक्सी में अच्छे से इस तरह से क्रश कर दिया है, और तज और वरियाली को साथ में हमने इस तरह से मिक्स करके क्रश कर दिया है। मूंगफली और तिल को क्रश कर दिया है। ये जो नमकीन का क्रश किया हुआ था इसमें इस तरह के सभी मसाले मिक्स कर देते हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सॉल्ट, गुड़ और वरियाली जो क्रश किया हुआ था, मूंगफली, तिल का, सब वो इस तरह अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें नींबू पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक बार। ये वरियाली का क्रश किया हुआ पाउडर डाला हमने, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। और 3 स्पून जितना तेल ऑल धनिया, हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हांडी में इस तरह से गोभी पत्ते को रख के सेटअप तैयार करते हैं। इसमें हमें सब्जी रखना है ताकि सब्जी जल ना जाए। सबसे पहले पोटैटोस डालेंगे क्योंकि इसे बॉईल होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। उसके बाद ऑनियन इस तरह से अच्छे से सेट कर देते हैं, और गार्लिक को वैसे ही हमें स्किन के साथ ही रखना है। जो मसाला तैयार किया है हम इसको बैंगन में इस तरह से भर देंगे। बैंगन उंधियों के लिए इसी टाइप के आते हैं, छोटे छोटे, इस तरह से अच्छे से सेट कर देते हैं सभी। सेट होने के बाद हमें इसको 30 से 40 मिनट तक गैस पर लो फ्लेम पर रख देना है। अब ये बॉईल हो गया है, गोभी पत्ते हटा देते हैं, और ये जो मसाला बचा हुआ था बैंगन में भरते हुए उसे हमें थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी कर दिया है, जिसे हम यहाँ तड़के लगाने के बाद इसमें मिक्स करेंगे। राई और जीरू, तमालपत्र, करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च और हींग, ये सब अच्छे से डाल के तड़का लगाएंगे सब्जी को। इसमें थोड़ी सी कलर लाने के लिए लाल मिर्च और वो ग्रेवी। अब हमने जो बॉईल किया हुआ सब्जी है इसको इसमें डाल के अच्छे से हिला देंगे। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हमने मेन 3 सब्जी ही ली है, पोटैटोस, बैंगन और लहसुन। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।